इधर सबसे ज़्यादा आप लोगों को घुमावदार रास्ते मिलेंगे देखने के लिए, देख सकते हैं पीछे और आगे भी। इधर पूरा खेत आप लोगों को खाली मिलेगा देखने के लिए। ये रास्ता है आने के लिए, मैं इसी रास्ते से इधर से आया हूँ। तो ये एक पुराना घर है जहाँ पे ये नीम का और आम का पेड़ है, तो ये बैठने के लिए भी यहाँ पे है सुविधा। और घर तो टूट चुका है लेकिन इसका छत अभी है। तो रास्ते में ऐसे बहुत से चीज़ देखने को मिल जाते हैं जो मैं आप लोगों को दिखलाता रहता हूँ और हमारे वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। अभी यहाँ से और आगे चलना है, तो चलिए रास्ते में आप लोगों से मिलते हैं, वीडियो देखते रहिएगा। अभी गांव का रास्ता से मैं आ रहा था तो ये छोटा सा नहर मिला है, तो नहर के रास्ते से भी चलना है और इसी रास्ते सीधे भी चलना है बहुत दूर। ये देख सकते हैं छोटा नहर है और इधर पीछे गांव है, तो गांव में रास्ता आगे से नहीं है और इधर से सीधे चलता हूँ। सुबह मैं 6:10 पर घर से निकला था सफ़र के लिए और 9:20 हो रहा है, 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे से ज़्यादा मुझे इस सफ़र में। नहर के किनारे बड़े बड़े पेड़ है। अभी रास्ता इधर मिल ही नहीं रहा है, तब तक जब तक रास्ता नहीं मिला है तब तक इसी नहर वाले रास्ते के साथ चलता हूँ। और इधर सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा टाइम के लिए इधर ही रुकता हूँ, देखता हूँ रास्ता मिलता है कि नहीं आगे। इधर जंगल ज़्यादा हैं, अभी आप लोग को मैं दिखलाता हूँ। इधर भी देख सकते हैं वहाँ पे एक झोपड़ी है, बस इधर कोई अभी गांव नहीं है। तो नहर के रास्ते से मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ और इसी के रास्ते से अभी चलना है, चलते जाना है। ना ही इधर कोई आदमी दिख रहा है ना ही कोई जानवर, लेकिन रास्ता काफ़ी सुनसान है। सड़क के किनारे देख सकते हैं इस साइड पर सागौन का वृक्ष सबसे ज़्यादा है। और ऐसे ही मैं 2 किलोमीटर तक आ गया हूँ, ये रोड के किनारे ही ऐसे ही है और आगे से रास्ता दिख रहा है, अभी आप लोग को मैं दिखलाता हूँ वो रास्ता, देखते हैं किधर से जाना है उधर। और इधर दूर दूर तक केवल पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो गांव के रास्ते में सफ़र करने में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, ऑक्सीजन रहित। और अभी नहर का रास्ता पीछे से छूट गया है और इधर केवल जंगल ही जंगल है, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा सागौन का ही जंगल है काफ़ी दूर तक। और आगे आम का बागीचा है और इधर दोनों तरफ आप लोगों को केवल बागीचा ही मिलेगा देखने के लिए। देख सकते हैं इधर भी सागौन का पेड़ है और इधर भी दोनों तरफ सागौन का पेड़ है। और इधर देख सकते हैं तो जंगल ही जंगल है, तो जंगल के रास्ते से निकल रहा हूँ। इधर गांव भी है, दुकान भी है, चौराहा भी है, लेकिन थोड़ा दूरी दूरी पर है। अभी एक मंदिर के पास आ चुका हूँ, उस रास्ते से आया हूँ, अभी बात करते हूँ आप लोगों से। और ये जो बड़ी वाली नहर है इधर ही है नहर, और इस नहर का बात मैंने किया था। तो ये वही नहर है जो अभी सुबह में रास्ते में जाते वक्त जो लोग वीडियो नहीं देख रहे होंगे, जाकर लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से देख सकते हैं। तो यही नदी है कप्तानगंज वाली, तो यही गई है। और यहीं पे जो मैं एक और मंदिर का वीडियो बनाया हूँ रास्ते से गुजरते हुए, तो यही है मंदिर, ये दूसरा मंदिर है नहर के किनारे। तो यहाँ पर अभी दिखलाता हूँ मंदिर में क्या क्या है। तो इधर मंदिर के अंदर बागीचा भी है, ये केवल लीची का बगीचा है। और इधर से रोड निकाला जा रहा है, पुल बनाया जा रहा है नदी को पार करने के लिए, और इधर से बगल से रास्ता है। तो चलिए मंदिर को दिखलाता हूँ। तो मंदिर ये है और इस मंदिर पे चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या है। इधर हनुमान गणेश जी की मूर्ति और अंदर शिवलिंग है, और यहाँ पे एक और मूर्ति है। और इधर चारों तरफ देख सकते हैं पूरा बागीचा का बागीचा है। ये कटहल का पेड़ है इधर,
और ये चारों तरफ देख सकते हैं, तो उधर से ही है जो रास्ता आने के लिए। तो ये मंदिर है, इधर का छोटा सा मंदिर है, और एक यहाँ पर मंदिर है, दिखला देता हूँ। इधर पूरा छांव है, धूप नीचे आ नहीं रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पीपल का वृक्ष है, नीचे वहाँ पे मूर्ति रखी गई है, और एक रास्ता उधर है, नहर वाला रास्ता। उधर से एक मंदिर है जिसमें ताला लगा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। तो रास्ता इधर से भी है, अभी मैं उधर से निकलूँगा तो इधर का ये सीन देख लीजिए। मंदिर ये है, तो इधर भी मंदिर है ये, तो इसका गेट अभी खुला नहीं है, अब साधु रहेंगे तभी खोलेंगे। वैसे इधर और इधर एक कुआँ है जिसमें अभी लकड़ी रखी गई है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये सब लीची का पौधा है बड़ा बड़ा, और उस मंदिर को मैंने दिखला दिया है, और ये एक मंदिर यहाँ पर है ये वाला, अभी या तो मैं दिखला इधर। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, यहाँ का मैं पूरा दिखला दिया हूँ। यहाँ से पीछे देख सकते हैं आप लोग, पुल दिख रहा होगा इस पेड़ के पीछे, तो काफ़ी बड़ा पुल है वही वाला, कप्तानगंज वाला। तो इसी जंगल के पास पीछे वहाँ पर देख सकते हैं ये जो पुराने पुराने घर हैं, इधर ही वो मंदिर है छोटा सा, और इधर ही बड़ी सी घर है। यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, यहाँ पे दाह संस्कार भी किया जाता है। ये पेड़ है देख सकते हैं बड़े बड़े, और इसी जंगल के से एक जो मंदिर है मैं बताया, तो छोटा सा मंदिर है। तो ये वही वाली नदी है जो एक मंदिर में मैंने अभी दो दिन पहले आप लोगों से बताया है क्या मंदिर का नाम है। वहाँ पे देख सकते हैं आप, शिव जी का और हनुमान जी का मंदिर है, थंबनेल पर लगाया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो पर। तो अभी मैं प्यास लगी थी तो खेत में पानी चल रही थी मशीनों से, तो मैं इधर रुक कर पानी पी लिया हूँ। तो अभी इस बागीचे और जंगल को रास्ते से निकलना है। इधर केले की खेती भी ज़्यादा हुई है यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से थोड़ी दूर पर जाएंगे तो नदी मिल जाएगी। तो जहाँ पे हनुमान जी और शिव जी का मंदिर है, मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है कुछ दिन पहले, तो वही वाली नदी है जिसमें भी पानी है। तो अभी इधर जो मंदिर आप लोगों को मैं दिखलाया हूँ, नहीं देखे होंगे तो वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो वही वाली नदी है जो घूम घूम के आती है, कप्तानगंज से होते हुए परवर पार होते हुए इधर आती है, यही चल जाती है साहिबगंज वाली नदी है। तो काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ से घूम घूम के मैं इधर आ गया हूँ, 4 घंटे हो गए हैं सफ़र करते हुए। अभी पीछे गांव है एक गड़ेर पट्टी, वो छूट गई है। तो उधर से जब मंदिर और समय निकल आया हूँ और काफ़ी दूर पहुँच गया हूँ, अब यहाँ से चलना है आगे। ये गांव का रास्ता है देख सकते हैं, अभी इधर मेन रोड नहीं है। इधर ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं है, केवल आप लोग को यहाँ से खेत मिलेगा देखने के लिए ऐसे ही, और एक झोपड़ी है। तो इन खेतों के रास्तों से निकलते हुए मैं चलता हूँ वहाँ पे, और नदी तो मिल जाएगी रास्ते में, लोकेशन पर दिखा रहा है, तो नदी आप लोग को जरूर दिखलाऊँगा, तब उसके आगे निकलूँगा। तब तक ये गांव का रास्ता है, तब तक इसको पार कर लेता हूँ, तब आप लोगों से मिलता हूँ। अभी आ गया है यहाँ पे पुल, जिस पुल का मैं बात कर रहा था, और इसको अभी आप लोगों को दिखलाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ इस रास्ते से पीछे से, और इधर है नीचे का पुल देख सकते हैं, नीचे भी खाली है इधर, और देख सकते हैं नदी, नदी इस रास्ते से घूमते घूमते उधर से आई है, तो परवर पार होते हुए, और पीछे जो मैं आप लोगों को दिखलाया हूँ मंदिर के पास में, तो वही घूम के आई इधर। तो इधर भी पुल है और इधर चली गई है, तो हमें आगे से इधर घूम जाना है, तब आगे चलना है। और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। अभी मैं इस पुल पे पहुंच चुका हूं, और यह पुल काफ़ी बड़ा है। तो यह पुल जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था,
कप्तानगंज का जो बड़ा पुल है वहाँ से यही नदी आती है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं अभी इसमें भी पानी कम है। तो कप्तानगंज जाते हुए आप लोग पहले वीडियो में ज़रूर देखा होगा, वहाँ से मैंने आप लोग को दिखलाया कि कितना पानी उसमें है, वही वाली ये नदी है। तो घूमकर इधर आई है तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ केवल बड़े बड़े पेड़ है और जंगल है छोटा सा दोनों तरफ, और नीचे कुछ घर भी बनाए गए हैं इस नदी के नीचे। और यह है रास्ता आने के लिए इधर से, और एक रास्ता ये है। और यहाँ से नीचे देख सकते हैं कि छोटे छोटे स्तंभ बनाए गए हैं छठ पूजा की। और अब इस वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो देखते रहिए और इसी का पार्ट अगले दिन आएगा।